हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि सिविल सेवक, जी हाँ, सिविल सेवक बनना आसान है अन्य नौकरियों की अपेक्षा। जी हाँ, सिविल सेवक बनना आसान है अन्य नौकरियों की अपेक्षा। शायद ये बातें सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, और ये चौंकने वाली बात है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सेवक बनना अन्य नौकरियों की अपेक्षा कैसे आसान है। इस चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तभी आपके लिए आसान होगा जब आपकी बेस्ट रणनीति होगी। बिना बेस्ट रणनीति की अपेक्षा इस नौकरी को आप आसान नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी बेस्ट रणनीति हो तो सिविल सेवक बनना आसान है अन्य नौकरियों की अपेक्षा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारी जो टॉपिक होने वाली है वह टॉपिक सिविल सेवक के लेकर जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनके संदर्भ में आज हमारी टॉपिक होगी। और इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सिविल सेवक बनना आसान है अन्य नौकरियों की अपेक्षा, वो कैसे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आप तैयार हो जाइए और बहुत ध्यानपूर्वक हमारे लेक्चर को सुनने का आप प्रयास करिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप सिविल सेवक की जो परीक्षाएं कराई जाती हैं वह तीन चरणों से होकर गुजरती हैं, तो पहले आप उन तीन चरणों को समझिए, फिर हम समझेंगे कि सिविल सेवक बनना आसान कैसे है अन्य नौकरियों की अपेक्षा। ठीक है, तो आइए मित्र, कि सिविल सेवक, पहले हम ये समझते हैं कि जो सिविल परीक्षा होती है ये कितने चरणों में होती है। तो सिविल परीक्षा के जो चरण होते हैं वो तीन तरीके के इसके चरण हैं। तो तीन चरण में कौन कौन से परीक्षाएं हैं, तो पहला आप जानते हैं कि जो पहला परीक्षा है वह प्रारंभिक परीक्षा है। जी हाँ, ये प्रारंभिक परीक्षा है। और दूसरा जो है वह मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा। और तीसरा जो है वह साक्षात्कार है। जी हाँ, साक्षात्कार है। तो पहले आप ये समझिए कि जब हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या इनका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले बेसिक चीज़ ये होना चाहिए कि पहले हम इनके बारे में जानें कि आखिर में सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा से तात्पर्य क्या है, और सिविल सेवा में मुख्य परीक्षा से क्या तात्पर्य है, और सिविल सेवा में साक्षात्कार से क्या मतलब है। जी हाँ, तो देखिए मित्र, प्रारंभिक परीक्षा में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है ना, ये आपकी परिश्रम की परीक्षा है। अगर सीधे शब्दों में कहें ये आपकी परिश्रम की परीक्षा है, और सीधे शब्दों में मेंस की बात करें तो ये आपकी सोच की परीक्षा है, और अगर मेंस की बात करें तो इंटरव्यू की बात करें, साक्षात्कार की बात करें, तो ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। जी हाँ, ये आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है, ये इसका मतलब होता है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके का परिश्रम होना चाहिए, किस तरीके का सोच होना चाहिए और किस तरीके का व्यक्तित्व होना चाहिए, इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। देखिए मित्र, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए होती है, इसका फाइनल सिलेक्शन में मेरिट नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस की परीक्षा देंगे, और मेंस परीक्षा की ही आपकी क्या तैयार होती है, मेरिट तैयार होती है, इसी की आपकी मेरिट बनती है, और प्लस इंटरव्यू का अंक, तो इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन बिना प्री क्वालिफाई किए आप मेंस की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से ये प्रारंभिक परीक्षा कराई जाती है, लेकिन ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का मतलब क्या होता है, और प्रारंभिक परीक्षा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कराई जाती है, ये आप जानते रहिए। और मैंने आपको बताया कि बिना प्रारंभिक परीक्षा पास किए आप मेंस की परीक्षा नहीं दे सकते हैं। क्लियर, तो आइए पहले हम प्रारंभिक परीक्षा का मतलब समझते हैं, फिर बाद में हम इसके पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। ठीक है, अलग अलग राज्यों में कैसे इसके पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए मित्र, परिश्रम का मतलब ये है कि आपको
तथ्यों का आपके पास भंडार होना चाहिए। जी हाँ, तथ्यों का आपके पास क्या होना चाहिए? भंडार होना चाहिए। और तथ्यों का भंडार जब आपके पास अधिक होगा, तब आप मैक्सिमम प्रश्न, जो ज़्यादातर वन लाइनियर के प्रश्न होते हैं, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, उसमें आपका इतिहास भी आता है, उसमें आपका भूगोल भी आता है, उसमें आपका जनरल साइंस भी आता है, इकोनॉमिक्स में आता है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी आता है, और स्पेशल राज्य के स्पेशल जो जियोग्राफिकल हैं, जो पॉलिटिकल हैं, जो इकोनॉमिक्स है, जो एग्रीकल्चर है, स्पेशल राज्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या नगरीकरण है और करंट से संबंधित प्रश्न हैं, ये सब स्पेशल राज्यों से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के समान अध्ययनों के विषय के बारे में आपको पता होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के समान अध्ययन के विषयों के बारे में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कुल मिला जुलाकर अगर आपको प्रारंभिक चरण की परीक्षा पास करना है, तो पूरे समान अध्ययन और प्लस करंट को मिला लिया जाए, तो आपके पास कम से कम 20,000 तथ्यों का भंडार होना चाहिए। जी हाँ, 20,000 प्रश्नों का, तथ्यों का भंडार होना चाहिए। 20,000 प्रश्नों के तथ्यों का क्या होना चाहिए? भंडार होना चाहिए। अगर ये 20,000 प्रश्नों के तथ्यों का भंडार आपके पास हो गया, तो ये मान के चलिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये 20,000 प्रश्न आप या तो एक साल में तैयार करिए, या आप 6 महीने में तैयार करिए, या तो आप इसको 20 साल में लगा दीजिए, या आप तैयार नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी करने के संदर्भ में आपने किस तरीके की रणनीति बनाई हुई है। ठीक, अब आते हैं हम मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य परीक्षा एक सोच की परीक्षा होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ मित्र कि जो आप प्री में तथ्य पढ़े हुए हैं, जी हाँ, तथ्यों की अभिव्यक्ति करना, तथ्यों की अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है? मेंस कहलाता है। तथ्यों की अभिव्यक्ति करना क्या कहलाता है? मेंस कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप प्रारंभिक परीक्षा में 20,000 तथ्यों को रटे हुए हैं, उनमें से लगभग 60% तथ्यों को आपस में जोड़ने की कला अगर आपको पता चल गई, तो समझिए आपको उन तथ्यों को अभिव्यक्त करने के बारे में पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इतिहास पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, और उनको एक दूसरे से लिंक करके आपको अभिव्यक्त करने के बारे में पता चल जाए, तो वो आपका मेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल समझा के बताते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, तो संविधान को हम अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि हम संविधान के निर्माण पढ़ते हैं, संविधान के स्रोत पढ़ते हैं, संविधान के सभी भाग पढ़ते हैं, संविधान संशोधन पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको संविधान भाग 5 का संबंध संविधान के 4th भाग से कैसे है, या उनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उनका तथ्यों का आपस में किस तरीके से संबंध है, जैसे राष्ट्रपति का संबंध सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कैसे, या कार्यपालिका का संबंध कैसे न्यायपालिका से है, या संसद का संबंध कैसे कार्यपालिका से, इन सबका आपस में एक दूसरे से कैसे संबंध है, एक दूसरे का कैसे आपस में नकारात्मक संबंध हो सकता है, कैसे नकारात्मक संबंध हो सकता है, इन सारी चीज़ों को समझना क्या कहलाता है? मेंस कहलाता है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को समझना क्या कहलाता है? मेंस कहलाता है। इसके अलावा हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के एनजीओ काम करते हैं। अब इस एनजीओ को किस तरीके से हम इतना ज़्यादा सक्रिय करें कि जो कार्य भारत सरकार कर रही है, वो काम अच्छे अच्छे समाज सेवक पे प्राइवेट एनजीओ करने प्रारंभ कर दें, तो उनमें कैसा आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये इसके भी कला आपको पता होनी चाहिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर इन्वायरमेंट पर संकट की स्थिति है, तो इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए मुझे इन्वायरमेंट स्तर पर क्या क्या करना चाहिए, वो तो पता होना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए भारत सरकार को किस तरीके से रूल और रेगुलेशन लेकर आना चाहिए, इसका भी ध्यान होना चाहिए। इसके लिए मुझे इतिहास के उन तथ्यों की भी खोजना पड़े, जिससे कि आज की वर्तमान की समस्या को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ठीक है, जैसे अशोक, अगर अशोक के शिलालेखों में आप देख लेंगे, तो अशोक ने वो सारी बातें
बहुत साल पहले कर चुका था, जो आज हम लोग या आज हमारी भारत सरकार वो सारी योजनाएं लाती हैं। इसका मतलब आपके अंदर एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, आपके अंदर एक दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो इसका मतलब इतिहास में उन सारे बिंदुओं को भी आप खंगाल के निकालिए, जिससे हम प्रेरित होकर किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ जोड़कर उसको एक नई दिशा प्रदान कर सकें। हमारी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यही है कि जो आप प्रिय में तथ्य पढ़े हुए हैं, तो आयोग ये जानना चाहता है कि जो तथ्य आप पढ़े हैं उन तथ्यों की आपके पास समझ है कि नहीं है। जो आप तथ्य पढ़े हैं वो तथ्य आपके पास उसकी समझ है कि नहीं है, इस चीज़ को जानना क्या कहलाता है? मेंस कहलाता है। और इसकी समझ तब होगी जब आयोग में मेंस का प्रश्न पूछा जाता है और उसकी अभिव्यक्ति आप सही तरीके से अपने शब्दों में अच्छे तरीके से कर लेते हैं और आयोग उससे संतुष्ट होता है, तब इसका मतलब ये हुआ कि आपका मेंस अच्छा है। क्लियर? और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ? जी हाँ, साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ? तो आयोग ये भी जानना चाहता है कि तथ्यों को याद करने के साथ साथ उसकी समझ है आपके पास, लेकिन उस समझ जो आप पढ़े हुए चीज़ों हैं उसके अभिव्यक्ति के साथ साथ क्या आप उस चीज़ को उस तरीके से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। यानी कि जो आप पढ़े हैं उस पढ़ी हुई चीज़ को या उस पढ़ी हुई चीज़ को या उस ज्ञान को आपने अपने अंदर आत्मसात किया है कि नहीं किया है। जी हाँ, आप अपने पढ़ी हुई चीज़ को आत्मसात किया है कि नहीं किया है। अगर आत्मसात आपने किया है तो वह आपके व्यक्तित्व में झलकेगा। जैसे आपके संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तमाम प्रकार के इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया है। अगर आपका उसकी समझ है तो आप सरकारी रूप में सेवा दे रहे हैं तो आप संविधान के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने संविधान के अकॉर्डिंग आपको चलना है। लेकिन अगर आपने रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तथ्यों को समझे, उसके अभिव्यक्ति कर दिए हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति आने पर, जी हाँ, विशेष परिस्थिति का मतलब अगर आपका ईगो कहीं प्रभावित होता है तो आपके अंदर अगर रूढ़िवादी विचारधारा आ जाती है तो इसका मतलब उस ज्ञान को आपने आत्मसात नहीं किया, जिससे कि वो आपके व्यक्तित्व में नहीं झलक पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप रूढ़िवादी हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आप इंटरव्यू के लायक नहीं हैं। जी हाँ, आप इंटरव्यू के लायक नहीं हैं। तो फिर से समझिए, प्री का मतलब तथ्यों का भंडार, मेंस का मतलब ये होता है कि जो तथ्यों का संग्रह है उसके अभिव्यक्ति मेंस, और इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि अभिव्यक्ति के साथ साथ उसको अपने व्यक्तित्व में ढाल लेना, ये आपका साक्षात्कार होता है। जब ये तीनों कलाएं आपके अंदर आ जाएंगी तो आप सिविल सेवक बन सकते हैं, यानी कि सिविल परीक्षा जैसे एग्जाम को आपको क्वालिफाई करा दिया जाएगा। जी हाँ, तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ठीक मित्र, अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि सिविल सेवक बनना अन्य परीक्षाओं के अपेक्षा क्यों सरल है? तो देखिए, पहली चीज, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं वो बहुत टफ होती हैं। जी हाँ, बहुत टफ होती हैं, और इसको देखकर लोगों के अंदर एक फोबिया पहले से बना हुआ आता है। तो जो टफ की एक धारणा लोगों ने बना लिया तो इनके अंदर एक साइको रूप से ये चीज़ें उनके मन में रहती हैं, जिससे कि उनका तैयारी करने के दौरान भी आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये सही बात है कि सिविल सेवा में पढ़ना तो बहुत पड़ता है। जी हाँ, सिविल सेवा में पढ़ना तो बहुत पड़ता है, लेकिन अगर बेस्ट रणनीति आपके पास हो तो आपके परिश्रम को, आपके समय को बहुत हद तक बचाया जा सकता है। जी हाँ, बहुत हद तक बचाया जा सकता है, और परिश्रम भी कम लगे और समय भी कम लगे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सिविल सेवा बनना क्या है, सिविल सेवक बनना आसान है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सिविल
सेवा में जिस हिसाब से पद निकलते हैं, अगर आप उस अनुपात में फार्म नहीं एग्जाम देने वाले की अगर हम संख्या देख लें, और जो अन्य नौकरी एसएससी टाइप के होते हैं या तो अन्य और नौकरी होते हैं उनके सीटों की संख्या और उनके अनुपात में देख लेंगे, तो मुझे ये लगता है कि सिविल सेवक की सीटों के लिए जो अनुपात होता है एग्जाम देने वालों के लिए वो अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। और प्रतिस्पर्धा किस में ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है छोटी नौकरी में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होगी। और एक चीज़, चूँकि ये एक बेस्ट रणनीति परिश्रम के साथ साथ इसमें इतने तीनों चरणों से होकर गुजरना है, तो जाहिर सी बात है कि बेस्ट रणनीति चाहिए। मेहनत है लेकिन बेस्ट रणनीति के माध्यम से आप इस एग्जाम को बहुत कम समय में क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस आधार पर हम कहेंगे कि अन्य नौकरियों की अपेक्षा सिविल सेवक बनना आसान होगा। ठीक है, वो कैसे अभी हम बताएंगे। ठीक है, इतनी बातें हमारी समझ में आई जो अभी हमने सीटों की संख्या और उस अनुपात में परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। उस अनुपात में देखा जाए तो सिविल सेवक में एग्जाम देने वालों की संख्या कम हो जाएगी जो इसके अधीनस्थ एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या है। मैंने ठीक बोला कि नहीं? इनकी संख्या अधिक होती है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि YouTube, जी हाँ, जो इस समय YouTube चैनल बना हुआ है जो अधीनस्थ टाइप के एग्जाम करवाए जाते हैं, इसमें ज्ञान का भंडार है। मैथ, रीजनिंग लेकर और नॉर्मल GS सामान्य ज्ञान, इसके भंडार हैं और हर कोई इस पर मेहनत कर रहा है। लेकिन सिविल सेवा के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इसका अभी भी YouTube पर उतनी गहराई से बेस्ट रणनीति के साथ उतनी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो ये चीज़ें क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया, और सिविल सेवा में प्रतिस्पर्धा को देखा जाए तो वो चीज़ें और घटा दिया। क्लियर? कुछ बातें समझ में आ रही होगी आपको। अब हम आते हैं, देखते हैं कि वो बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। जी हाँ, बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए सिविल सेवा में जाने के लिए? एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए? जी हाँ, एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें या इस चीज़ पर मुझे विशेष रूप से क्या करना है, विचार करना है। आइए हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे देखिए कि सिविल सेवक बनने के लिए आपके पास एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्लियर? तो पहला काम आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिए कि पहला काम ये होना चाहिए कि रणनीति आप बनाने के लिए सबसे बड़ा ये है कि रणनीति आपको आएगी कैसे और रणनीति कैसे आती है। रणनीति सबसे अच्छा कौन बना सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि इस एग्जाम के लिए रणनीति सबसे अच्छा कौन बना सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोच के बताइए कि सबसे अच्छी रणनीति कौन बना पाएगा। आप जरा सोच के बताइए। तो यकीनन आप कहोगे सर अनुभव, और ये अनुभव जो है ये दो क्षेत्रों में अनुभव होना चाहिए। एक तो ये कि आपको अपने पाठ्यक्रम का अनुभव होना चाहिए, और दूसरा अन्य पर्यावरण का अनुभव होना चाहिए। अन्य पर्यावरण का मतलब आपका समाज, उसका भी अनुभव होना चाहिए। जी हाँ, कहने का मतलब आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर्यावरण और इस पाठ्यक्रम के आपके पास कितने अनुभव हैं, तो जाहिर से कि ये अनुभव आपके पास तो नहीं होंगे। आप शुरू में जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको अच्छा एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सके। और वो कौन होना चाहिए? एक गुरु ही काम कर सकता है। जी हाँ, एक गुरु ही काम कर सकता है क्योंकि उसके पास अच्छा अनुभव होता है और गुरु उस लायक होना चाहिए, यानी कि अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब इस क्षेत्रों से होकर गुजरा हो तो वह आपके पर्यावरण की स्थिति को भी समझ सकता है, और जो विगत एग्जाम सिविल सेवा में दिया गया है उसकी भी स्थिति को समझ सकता है, और उस स्थिति को समझने के बाद
जो अनुभव आता है उस अनुभव के माध्यम से वो अपने अंदर एक तकनीकी डेवलपमेंट करता है। और तकनीकी का मतलब क्या होता है मित्र? तकनीकी का मतलब ये होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। जी हाँ, तकनीकी का मतलब ये होता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक उत्पादन करने के लिए लागत कम होनी चाहिए। और लागत का मतलब यहाँ पर मेरा क्या है कि आपके पैसे की बचत भी हो जाए और इसके अलावा समय के भी बचत हो जाए। और आप इसके अलावा अधिक से उत्पादन करने का मतलब कि आप सिविल सेवक भी बन जाए। ये चीज़ें। और तकनीकी कहाँ से आएगी? तो अनुभव से आएगी। अनुभव कहाँ से आएगा? विगत पाठ्यक्रम और पर्यावरण की समझ से आएगी। और जब तकनीकी अच्छा होगा तो आप किसी के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं, जो एक रणनीतिक रूप में जाने जाते हैं। समझ में आई ये बात? समझ में आई? अब देखते हैं, अब सिविल सेवक में बनने के लिए मित्र आप एक चीज जान लीजिए, यूपीएससी, एक तो ये होता है कि आप सबसे बड़े स्तर का एग्जाम देने जाते हैं आईएएस का, आईएएस का। ये चीजें आप अपने मन में बैठा लीजिए कि हर साल आईएएस का एग्जाम होता है, यूपीएससी कराती है। और 700 से सीट से लेकर कभी कभी 1100-1200 के बीच में सीट इसकी आती रहती है। लेकिन हम अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में, यानी कि करीब अगर देखें तो हिंदी भाषा लगभग 9-10 राज्य हैं, इनमें से 8 राज्यों का, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो हम ये कहेंगे कि आप 8 राज्यों में सिविल सेवा का एग्जाम दीजिए। जी हाँ, 8 राज्यों में सिविल सेवा की जरूर परीक्षा देने का प्रयास करिए। सिविल सेवा की परीक्षा देने का आप क्या करिए? प्रयास करिए। तो इस तरीके से अगर हम 8 राज्यों की सिविल सेवा की परीक्षा के बारे में बात करें मित्र, तो यहाँ पर पहले हम यूपी को देख लें, यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में देख लें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड हो गया और एमपी हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया और इसके अलावा झारखंड हो गया, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजस्थान हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में आप सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। क्लियर? अगर आप इनको वार्षिक रूप में ध्यान से देखेंगे तो, अगर आप यूपी के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हम इसका रेशियो निकालें साल भर का तो मुश्किल से कितना, 400 सीट 500 सीट। लेकिन अगर आप इन स्टेट, सभी स्टेट के बारे में अगर आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपके सामने सिर्फ उत्तर भारत में अगर देख लिया जाए तो कम से कम सालाना आपको लगभग 3000 सीट देखने को मिलेगी। कितनी? 3000 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब कि हर साल 3000 सीट ऐसी होती हैं जो आपको अधिकारी बनने का मौका देती हैं। आपको 3000 सीट ऐसी होती हैं जो आपको अधिकारी बनने का क्या देती हैं? मौका देती हैं। इतनी बात समझ में आई? और इन सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो इन सभी राज्यों में जो परीक्षाएं होंगी वो सभी राज्यों में 3 चरण की परीक्षाएं होंगी। कितने चरण की? सभी राज्यों में 3 चरण की परीक्षाएं होंगी, चाहे वह उत्तराखंड हो, चाहे वह एमपी हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ये 3 चरण की परीक्षाएं होती हैं। क्लियर? अगर उसी में आप यूपी के समीक्षा अधिकारी को भी शामिल कर लीजिए, जो लगभग पीसीएस की ही स्तर की वो भी नौकरी है, तो इस तरीके से अगर आप सबको मिला देंगे तो क्या 3000 सीट नहीं होगी? 3000 सीट होती हैं। आप समझ सकते हैं? अब सवाल ये है कि इसकी रणनीति कैसे बनाई जानी चाहिए। तो मित्र पहले तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले इनमें रणनीति आप बनाने के लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि अब इसको 3 चरण में कैसे होता है।
जैसे अगर आप देखें जो इस समय एग्जाम का पैटर्न है, सब में पैटर्न, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के देखें तो मित्र उत्तर प्रदेश का जो प्री का एग्जाम होता है इसमें दो पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जी हाँ एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक पेपर जो होता है वो सीसैट का पेपर होता है। अब इस चीज़ को समझिए, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है, लेकिन मेरिट हमेशा सामान्य अध्ययन पेपर की बनती है। किसकी बनती है? सामान्य अध्ययन पेपर की बनती है, न कि सीसैट की बनती है। सीसैट में आपको सिर्फ क्वालिफाई चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई चाहिए, इसके आधार पर आपका क्या हो जाएगा, मेरिट बनेगी। लेकिन मेरिट जो बनेगी वो क्वालिफाई के लिए बनेगी, और वो भी किसके लिए, मेंस के लिए बन सकती है। क्लियर? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सीसैट एग्जाम आपको देना होगा। दूसरा चीज, उत्तर प्रदेश में अगर इसके बाद, ये तो प्री का चरण हो गया, अब मेंस के चरण में आए तो मेंस के चरण में समान अध्ययन के, जी हाँ समान अध्ययन के चार पेपर यहाँ पे हो जाते हैं, वो भी लिखित होते हैं, और एक यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न होता है। कौन सा प्रश्न होता है? यहाँ पर एक वैकल्पिक प्रश्न होता है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक वैकल्पिक प्रश्न होता है और प्री वाले में सीसैट पेपर होता है और समान अध्ययन पेपर तो होता ही होता है। क्लियर? ये चीज उत्तर प्रदेश का सिलेबस है। लेकिन अगर आप बिहार में आएंगे तो मैं आपको बिहार के बारे में बता दे रहा हूँ मित्र, बिहार वाले में जो होता है इसमें सीसैट का पेपर नहीं होता है, यानी कि समान अध्ययन का पेपर होता है लेकिन सीसैट का पेपर नहीं होता है, और इसमें समान अध्ययन का भी पेपर होता है और इसमें एक वैकल्पिक प्रश्न भी होता है, यानी वैकल्पिक विषय होता है, सॉरी वैकल्पिक विषय यहाँ पे भी होता है और वैकल्पिक विषय उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बिहार में सीसैट नहीं है बट यूपी में सीसैट है, यानी कि आईएएस का प्रोसेस यूपी पीसीएस में सेम टू सेम है, लेकिन बिहार में क्या है, अंतर है। बिहार में क्या अंतर है कि वहाँ पर सीसैट का एग्जाम नहीं होता है, केवल समान अध्ययन पढ़कर आप मेंस दे सकते हैं, यानी क्वालिफाइड सीसैट मैथ हो, रीजनिंग विजनिंग का उतना बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर नहीं है, संप्रेषण वगैरह का, सिर्फ समान अध्ययन आप अच्छे तैयारी कर ली तो आप मेंस में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आपका समान अध्ययन बहुत अच्छा मजबूत है लेकिन अगर आपकी मैथ रीजनिंग और संप्रेषण डिसीजन एंड मेकिंग वगैरह अगर अच्छी नहीं है तो आप समान अध्ययन होने के बावजूद भी मेंस में ही उत्तर प्रदेश में नहीं बैठ सकते हो किंतु बिहार में बैठ सकते हो। क्लियर? अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के बारे में बता देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे तो उत्तराखंड में एक चीज़ ध्यान रखना कि उत्तराखंड में वैकल्पिक विषय नहीं है, जी हाँ उत्तराखंड में वैकल्पिक विषय नहीं है, एमपी में वैकल्पिक विषय नहीं है, एमपी में वैकल्पिक विषय नहीं है, छत्तीसगढ़ में वैकल्पिक विषय नहीं है। अब देखिए कितने राज्यों में वैकल्पिक सब्जेक्ट नहीं है, झारखंड में वैकल्पिक विषय नहीं है, राजस्थान में वैकल्पिक विषय नहीं है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वैकल्पिक विषय कई राज्यों में पढ़ने से आपको क्या मिल जाएगी, फुर्सत मिल जाएगी। तो इसका मतलब आपको कौन सा पोर्शन मजबूत करना पड़ेगा? इसका मतलब आपको अपना समान अध्ययन पोर्शन मजबूत करना पड़ेगा, समान अध्ययन। क्यों? क्योंकि वैकल्पिक विषय भले ही ना हो लेकिन जैसे यहाँ समान अध्ययन के चार पेपर होते हैं वैसे सभी राज्यों में लगभग लगभग समान अध्ययन के चार पेपर होते हैं जिनके अंक लगभग 1000 अंक से भी ऊपर होते हैं और मेरिट इसी की बनती है, मेरिट इसी की बनती है, और इंटरव्यू में कोई बेसिक अंतर नहीं है। जैसे बिहार में इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू कितने अंक का होता है, 100 अंक का होता है, और बिहार में मेंस कितने अंक का होता है तो 1000 नंबर का होता है। झारखंड में देखा जाए तो मेंस 1050 का होता है और इंटरव्यू देखा जाए तो 150 का होता है। राजस्थान में इंटरव्यू 175 का होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं एमपी में 175 अंक का होता है और 1400 का एमपी में मेंस होता है, वो भी जीएस का, वैकल्पिक सब्जेक्ट नहीं। और उत्तराखंड में देखा जाए तो 1500 का मेंस विकल्प होता है, 200 का इंटरव्यू होता है। उत्तराखंड में 200 का इंटरव्यू होता है, 1500 का मेंस होता है, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 1500 का मेंस होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक सब्जेक्ट है, बाकी जगह मैंने बताया कि वैकल्पिक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंटरव्यू किसी में 120, किसी में 150, किसी में 175, किसी में 200, ऐसे इंटरव्यू हैं। हाँ हिंदी और निबंध सब में हैं, संबंध है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
जैसे आप बिहार में समान अध्ययन पेपर देते हैं प्री को क्वालिफाई होने के लिए सीसेट नहीं है, वैसे राजस्थान में भी आप जान लीजिए कि यहाँ पे भी एक ही पेपर होता है जीएस का और उसको क्वालिफाई आप करके मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ भी सीसेट जैसा कोई प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे सीसेट जैसा प्रोसेस नहीं है। अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो कुछ राज्यों में जहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर लें तो यहाँ पर ज़्यादातर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, लेकिन संप्रेषण और हिंदी जैसे यहाँ पर सीसेट में प्रश्न नहीं पूछे जाते, मैथ और रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उत्तराखंड और एमपी में पूछे जाते हैं। हम आपको बताना क्या चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले आप किस पर देखिए, समान अध्ययन पर दीजिए, जो हर एसएससी के बच्चा पढ़ता है, मैथ हर बच्चा समान अध्ययन का पढ़ता है, उस पर देखिए। वैकल्पिक विषय बस कुछ राज्यों में हैं, जैसे बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, इसमें वैकल्पिक हैं आपके, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में वैकल्पिक विषय तो नहीं है ना, और एक आईएएस में वैकल्पिक सब्जेक्ट है। तो पहले आप पर फोकस क्या होना चाहिए कि हमको अपना समान अध्ययन सबसे स्ट्रांग करना चाहिए। जी हाँ, और आप उत्तर भारत के राज्यों में रह रहे हैं तो हिंदी ऑलरेडी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर समान अध्ययन और हिंदी आप मजबूत कर ले रहे हैं तब भी आप सिविल सेवक बनने के कहीं ना कहीं दावेदारी होते हैं। जी हाँ, लेकिन सवाल ये होता है कि जो ये समान अध्ययन के पेपर हैं जहाँ वैकल्पिक विषय नहीं है, तो जो समान अध्ययन के पेपर हैं, आप जरा समझिए, यही समान अध्ययन पेपर तो आपको प्री में भी पढ़ना पड़ता है, कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप प्री के लिए दूसरा पर्वत पढ़ेंगे, मेंस के लिए दूसरा पर्वत पढ़ेंगे, पठार दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा संविधान पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वही होती है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बस ये है कि जो आप प्री के तथ्यों को रटते हैं सारा, उस तथ्यों को इस तरीके से सजोए कि कौन से तथ्य को मेंस में रखा जा सके, किन तथ्यों को मेंस में रखा जा सके। और एक चीज ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कब मुझे फॉर्म भरना चाहिए, हम फॉर्म कब से भरना प्रारंभ करें, हम फॉर्म कब से भरना प्रारंभ करें। और दूसरी चीज, हमारी तैयारी कितनी बेस्ट है इसका मूल्यांकन हम कैसे करें, इसका मूल्यांकन हम कैसे करें। इसका मूल्यांकन आप कहेंगे सर हम इसका मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति अपने अंदर कमी नहीं बताएगा कि मेरे अंदर कमी है, वो कहेगा कि हमारे अंदर क्या है, अच्छाई है। आप अपना मूल्यांकन अपने से श्रेष्ठ जो अनुभवी है वो आपका मूल्यांकन अच्छे तरीके से करेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक बेस्ट है। हाँ, जिससे आप अपना मूल्यांकन करवा रहे हैं आप उसको अजमा सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको अजमाने की छूट नहीं दिया तो आप उसको अजमा भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनुभवी व्यक्ति हर चीज़ समझता है, इसके भी बारे में, इसके भी बारे में, और इसके पास एक तकनीकी होती है, और तकनीकी का मतलब जो आपके पैसे और समय की बचत कर दे, जो आपके पैसे और समय की क्या कर दे, बचत कर दे, कम लागत में और उत्पादन अधिक दे। इसका मतलब कि कम पैसे कम समय का मतलब कि कम पैसे का मतलब कम आयु में आप सिविल सेवक बन जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अधीनस्थ नौकरी पाने में 15 साल लगा देते हैं, और बहुत सारे सिविल सेवक ऐसे होते हैं, बहुत ही सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मात्र 5 साल के अंदर अधिकारी बन जाते हैं किसी न किसी स्टेट में, 5 साल के अंदर किसी न किसी स्टेट में अधिकारी की नौकरी ले लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके पास बेस्ट रणनीति होगी, बेस्ट रणनीति होगी, और बेस्ट रणनीति सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ जाती है जिसके घर में कोई मार्गदर्शन न हो, या उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जिसको पर्यावरण की सही समझ न हो।
पर्यावरण का मतलब सामाजिक पर्यावरण की सही समझ नहीं हो, पर्यावरण का मतलब इन सारी चीजों की समझ नहीं हो कि इन सब में कैसे एक तालमेल बैठाया जा सके। अगर आपको इस चीज को समझना है तो गुरुकुल एकेडमिक में आकर हमसे 4-5 घंटे के अंदर संपर्क करें और मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क करें। जी हाँ, कि कैसे कैसे आप सिविल सेवक बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये, एक नया स्टूडेंट और एक टीचर में बहुत अंतर होता है। जब किसी को इन सारे विषयों के समान अध्ययन की समझ है, जिस टीचर के अंदर काबिलियत हो या वो टीम आपके पास हो या वो टीचर आपके पास हो, जो दो जो 1.5 साल या जो 1,000 घंटों की क्लास, जी हाँ, अगर हम वैकल्पिक सब्जेक्ट की बात करें और समान अध्ययन की बात करें, एक न्यू बच्चे के लिए बात करें और वो न्यू बच्चा का एक समान अध्ययन का स्तर का दिमाग हो, तो कम से कम 1,000 घंटे लगभग पूरी समझ लगेगी प्री मेंस और इंटरव्यू को अच्छे तरीके से समझाने में, 1,000 घंटे। और दूसरी चीज, उस 1,000 घंटे के बाद ये टीम आपको मात्र 30 दिनों के अंदर, यानी कि अगर हम देखें मात्र 100 घंटे के अंदर आपको ये चीज़ें पूरी रिवाइज करवा दे, तब समझिए कि वो टीम आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं कि कहीं भी कोचिंग जाते हैं तो साल भर कोचिंग करते हैं, 1.5 साल कोचिंग करते हैं और वहाँ भी पूरी तरीके से सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाता है। बुकलेट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से उनको नोट्स बुक प्रोवाइडेड किए कर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी क्लासेज पूरी तरीके से प्री और मेंस की तरह समाहित रूप से ओवरऑल नहीं चलाई जाती है। तो मैं उन बच्चों को, खासतौर मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पैसे के अभाव में सिविल सेवक नहीं बन पाते हैं, उन बच्चों के लिए ये मेरा वीडियो है। और वो बच्चे आकर हमसे संपर्क करें जो बड़े बड़े कोचिंगों में उस चीज़ें एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो मैं बहुत नाम मात्र में वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइडेड कर सकता हूँ। आप संपर्क करिए, उस चीज़ को आप देखिए, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आप वेलकम है आपका यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको हर सालाना औसत अधिकारी बनने के लिए इन सारे स्टेटों में लगभग 3,000 सीट आपकी सालाना आती हैं, लेकिन आप फिर भी सालों लगा देते हैं और सिविल सेवक नहीं बन पाते हैं और मजबूरन अधीनस्थ नौकरी की तरफ फिर प्लान करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? और आप कम समयों में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और आप एक साथ इन सब की तैयारी कैसे कर सकते हैं? और आपको आसान कैसे बना दिया जाए? इस चीज़ को जानने के लिए आप ड्रीम ऑफ भारत के माध्यम से संपर्क करें। अगर जौनपुर में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो गुरुकुल एकेडमिक में आपका स्वागत है। तो मित्रों, अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आपको इसमें लेकर किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के ही माध्यम से हम अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें YouTube पे नहीं मिल पाती हैं, उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से, या तो गुरुकुल एकेडमी में आइए, ऑफलाइन आप ज्वाइन करिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।
जय भारत, जय हिंद।